डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम हैं लोहाजंग में और आज जा रहे हैं हम आजन टॉप। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट आता है और यहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा यह बताया गया कि काफ़ी अच्छी जगह है और मौसम भी काफ़ी सुहाना और रखा है। उतनी धूप भी नहीं है और उतना गर्मी भी नहीं, और ये देख सकते हैं आप मेरे चारों तरफ काफ़ी सुंदर सा नज़ारा लोहाजंग का। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, हम आपको इस ट्रैक से रिलेटेड सारी बातें बताएंगे और प्रकृति से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहे हैं और हमारे मित्रगण हमारे साथ हैं, दीपक दीपू भाई ये हैं, और यह है दिलमणि भाई, और यह हैं पंकज भाई, और यहाँ पर भी हैं हमारे साथ रोहित टू मैनी भाई और ये मनोज भाई भी हैं। तो हम पांच लोग जा रहे हैं अभी आजन टॉप के लिए। टॉफी चबाते हुए क्योंकि चढ़ाए हैं। टॉफी और लाए हो दिल भाई? तो दीपू भाई लाए हैं टॉफी। तो आप हमारे साथ बने रहे हैं, तीन ही बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये भी काफी अच्छी जगह। यहाँ पर देखो दोस्तों ये लोहाजंग का क्रिकेट ग्राउंड मेरे पीछे, और इसमें बादल लगे हुए हैं, नहीं तो चारों तरफ से यहाँ पर हिमालय के भी दर्शन होते हैं। काफी सुंदरता यहाँ पर पहाड़ों की, ये देख सकते हैं क्रिकेट ग्राउंड भी काफी बढ़िया, और ये हमारे साथीगण। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, हम आपको पूरा जो भी मजा आएगा इस ट्रैक में हम आपसे रूबरू करवाएंगे। ये देखिए आप, तो ये आप देख सकते हैं ये सामने पूरा लोहाजंग का एरिया है, और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर क्रिकेट मैदान लोहाजंग का, और ये देख सकते हैं हमारे साथ ही। तो बने रहे हमारे साथ इस ट्रैक में, और आपको आजन टॉप जाकर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसा लोकेशन है। वैसे स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि काफ़ी अच्छी जगह है, और ये आप देख सकते हैं सामने एकदम बढ़िया सी हरियाली छाई हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहे हैं, हम आपको पूरा रूबरू, पूरा जो भी हमारे साथ ट्रैक में जो जो चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, जो जो हमें लगेगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए। और दोस्तों ये आजन टॉप की चढ़ाई थोड़ा बहुत हमें भी टफ लग रही है। अब हमारे साथीगण ये देखिए बहुत थक चुके हैं। दीपू भाई थके थे? नहीं, अभी तो कहाँ, अभी तो शुरुआत है। पहाड़ी बंदे भाई, पहाड़ी बंदे ऐसी कैसे थक जाएंगे, ठेठ पहाड़ी कह रहे हैं। और रास्ता भी एकदम बढ़िया देवदार के, तो यहाँ पर जंगल दिख नहीं रहे पर लेकिन बांज और पुरांस यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में देखे ना, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों अक्सर इसकी सब्जी बनाया करते हैं। रुको रुको, ये देखिए हम आपको कन्हैया दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हमारे दिलमणि भाई ने ये निकाल रखा है कन्हैया, जिसका नाम कहते हैं, ये कन्हैया अक्सर सब्जी भी खाया करते हैं। इसकी सब्जी किस टाइम में बनती दिलू भाई? ये इससे एक महीने पहले अभी। अच्छा आजकल नहीं खाते इसको? बरसात आने पर इसके बाद इस पर पता नहीं जहर सा कुछ। अच्छा 20 जाता है, 20 टाइप का। तो दोस्तों ये देख सकते कन्हैया यहाँ पर बहुत और का, ये ऐसी जगह में होता है जहाँ पर काफी ज्यादा पानी या गदरे टाइप में ना, गदरे वाली जगह में। तो रास्ता तो वैसे दोस्तों बहुत बढ़िया है, जहाँ नमी वाली जगह पर ये ज्यादा, हाँ यहाँ पर मतलब जहाँ पे ज्यादा पानी एक तरफ से या ज्यादा थोड़ा रहे मिट्टी, हाँ थोड़ा हाई एल्टीट्यूड भी नहीं कहेंगे पर, लेकिन 2000 से ऊपर मीटर की ऊंचाई पर यह आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों काफी बढ़िया पानी निकाल, काफी बढ़िया यहाँ पर रास्ता, काफी बढ़िया ट्रैक, और हम वैसे आराम से ही जा रहे हैं पर थोड़ा मजा, बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आपको उत्तराखंड देवभूमि में हर गांव में एक ना एक मंदिर मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं इसमें हम छिपला गांव में हैं, ये देख सकते हैं आप छिपला गांव की काफ़ी सामने ये गांव जो है ये पूरा छिपला, ये बानुड़ी में आता है, बानुड़ी छिपला यहाँ का नाम है। और ये हमारे दोस्त लोग जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रैक यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी सुंदरता और काफ़ी बढ़िया भी यहाँ पर मौसम हो रखा है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर जाना है इस टॉप में यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ आजम टॉप है। तो अभी हमको ये पूरा रास्ता एकदम पूरा
यहाँ देख सकते हैं आप सामने एकदम सुंदर सी घाटी, काफी बढ़िया, और बीच बीच में खाली मैदान यहाँ पर घास के लिए, बहुत जबरदस्त, काफी ज्यादा मजा आ रहा है वैसे। ये देखिए आप इस समय देख सकते हैं हमारे साथ दिनमणि भाई, बाकी लोग आगे निकल चुके हैं और गांव की सुंदरता तो आप हमारे पीछे देख ही रहे होंगे यही। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, बस थोड़ा ही देर में हम पहुंच जाएंगे, फिर आपको वहां का दृश्य दिखाएंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों यार अभी हम थोड़ा सा चढ़ाई करने के बाद थोड़ा यहाँ पर बैठे हैं छाया में, और थकान ज्यादा लग चुकी थी, ये बताएंगे जवान है पंकज भाई, दिलू भाई, राहुल भाई, थके तो नहीं? नहीं नहीं थके तो, अभी तो शुरुआत ही है, थोड़ा सा हो ही जाता फिर वो, अभी थके नहीं, पर दीपू भाई यार नहीं 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 थके अभी तो, पक्का पक्का अभी तो 15 किलोमीटर और, मनोज भाई तुम अभी नहीं, नहीं अभी तो बहुत एनर्जी है, खाना खा के आए अभी एनर्जी है, तो बस अभी दाल भात सूत रखी है लॉजिंग में, और तब उसके बाद आप देखो फिर आप इसलिए नहीं जाया जा रहा, थोड़ा सा पेट में उकड़ू उकड़ू हो जा रही है, तो इसलिए रुक रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप चढ़ाई का रास्ता आप जानते ही होंगे सब। पंकज भाई ने यार लट्ठी ले लिया यार, क्या बात, ज्यादा थक गई हो, ये बेचारे की शादी अभी नहीं नहीं हो रही है ना आजकल, इसको नहीं आ रहा ज्यादा। तो दोस्तों बस अभी थोड़ी सी चढ़ाई और है, बाकी ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार लोहा जंग का नजारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको यहाँ पर ये क्रिकेट ग्राउंड दिखाया था, और ये जो ये वाला एरिया है ये, तो ये पूरा लोहा जंग का है, बाकी देख सकते हैं आप एक बार सुंदरता, बांज और बुरांस के पेड़ों के बीच काफ़ी अच्छी सुंदर सी जगह, और काफ़ी बढ़िया सा रास्ता है, इसीलिए हम काफ़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप, बस थोड़ा सा ही दूरी और है, बाकी आज हम टॉप पर पहुँच कर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा बहुत मतलब एक डेढ़ या दो किलोमीटर का रास्ता होगा, और ये देख सकते हैं आप एजेंट टॉप की सुंदरता, वाह वाह मज़ा आ गया, काफ़ी बेहतरीन जगह, और काफ़ी यहाँ पर हवा, हाँ 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 वाह, अगर आप दो किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अगर ऐसी जगह पर आओ तो इसका अलग ही मज़ा है, आप देख सकते हैं वाह बेहतरीन। तो दोस्तों फाइनली यार अर्जेंट टॉप पर पहुंच चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया, और हमारे कुछ साथी यहां से ऊपर चले गए हैं, और देखिए कैसे थक थक के यहां पर विश्राम कर रहे हैं, और साथी लोग मज़ा आ गया यार, है ना, बहुत मज़ा आ गया है, मजा आ गया, अच्छी जगह है, बढ़िया जगह यार, मतलब ठीक है, लोहाजंग के पास मतलब इतनी बढ़िया जगह, वैसे वो आगे से तो लगता नहीं है कि यहाँ ऐसा होगा करके, लेकिन इस बार यहाँ आके पता लगता है कि यार हाँ वास्तव में कोई चीज है वहाँ की यार। दोस्तों तो दोस्तों ऊपर टॉप पर जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं वहाँ का नजारा, मजा आ गया यार कसम से, बहुत बढ़िया जगह, जरूर आए, देख सकते हैं एकदम पूरे घास के मैदान, और यार हम ये टॉप में आकर देखिए सामने यहाँ पर मंदिर सा दिख रहा है, और आपको पास ले जाकर देख दिखाते हैं वहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया, एक तरफ से भुग्याल कह सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी मज़ा आ गया, और काफ़ी ठंडी हवा, काफ़ी पसीना हो गया था, और हवा तो ऐसी लग रही कि मन को मतलब इतनी शांति मिल रही कि हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, क्यों दिल भाई, बिल्कुल बहुत यार मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया, क्यों एसी जैसे कि सोलर पर लगी हो, हाँ यार सही कह रहे हो, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यहाँ का, मजा आ गया कसम से, बाकी आपको हम वहाँ पर ले जाके दिखाते हैं आपको, सही पता लग रहा होगा, देख सकते हैं आप क्या एकदम बेहतरीन मौसम हो रखा है, अच्छा हुआ ज्यादा धूप नहीं हुई, अगर ज्यादा धूप होती तो फिर मजा नहीं आता, क्यों तो दोस्तों बने रहे हैं, बस थोड़ा सा दूर और मुश्किल से मतलब 100 मीटर होगा यहाँ पर ये मंदिर है, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा है, हम भी पहली बार ही आ रहे हैं, और यार अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रही तो यार लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आता है थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ देख सकते हैं आप, और यार हम थे वहाँ, ये देख सकते हैं यहाँ, इसकी ये सिर्फ 2-4 मकाने दिख रही हैं लोहाजंग की, और यार आजम टॉप का इतना सुंदर सा नज़ारा यार, वाकई काफ़ी मज़ा आ गया। तो दोस्तों आप भी ज़रूर आए, लोहाजंग से मुश्किल से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये
देवस्थली लिखा हुआ है। बाकी यह आप देख सकते हैं मंदिर का अंदर का नज़ारा और काफ़ी सुंदर सी जगह और काफ़ी सुकून और काफ़ी एकदम बहुत बेहतरीन यार, काफ़ी मज़ा आ गया। मतलब एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए और ये देख सकते हैं फिर से आप सुंदरता, एक तरह एक बार आपको फिर से यहाँ की सुंदरता की ओर लेके चलता हूँ। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ का काफ़ी सुंदर सा नज़ारा, ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन जगह। तो दोस्तों आप भी यार ज़रूर आएँ यहाँ का और देखिए, आजकल एकदम सुकून और एकदम काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर जो भी लोकल लोग होंगे लोहाजंग के, उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड भी बना रखा है, यहाँ पर क्रिकेट पिच बना रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ से हिमालय के दर्शन होते, पर लेकिन इस समय काफ़ी धुंध हो रखी है, बादल लगे हुए हैं, तो आपको हिमालय के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना मज़ा आता होगा यार, एकदम बेहतरीन। देख सकते हैं आप कितना मज़ा आता होगा ऐसे में खेलने में, और यार काफ़ी हमें तो ऐसे देखने में ही काफ़ी आनंद आ रहा है। ये देख सकते हैं आप और हमारे साथीगण। तो अब बैठते हैं जरा सा, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। दोस्तों आपने देखी ये आजम टॉप की वीडियो, एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से बस निकल ही रहे हैं, जरा सी हम कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए थे, बाकी और यार प्लास्टिक वगैरह तो हमने बैग में डाल दिया है। ऐसी जगहों पर प्लास्टिक फेंकना, हम तो एक मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मतलब लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि लोग तो आए हैं पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियाँ पर फेंकी हुई हैं। तो जो लोग भी अगर हमारे उत्तराखंड के ऊपर के एरिया में अगर घूमने के लिए आते हैं, तो वो प्लीज़ यार कि अपने साथ प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की थैली अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। तो बाकी चलते हैं अब। तो दोस्तों यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर अपने दोस्तों के साथ। बाकी मुलाकात होगी अगले किसी नए ब्लॉग में, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलो बाय 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 बाय।